washed up. Don't want to believe it. Tough love. Take it or leave it. लॉकडाउन की वजह से अगर आप बाहर पार्लर नहीं जा पा रहे हो, घर पे भी नहीं बुला पा रहे हो और आपके पूरे शरीर के ऊपर बहुत लंबे लंबे बड़े बाल आ गए हो, तो ऐसे में खुद से आप इसको रिमूव कर सकते हो कुछ टेक्निक से, जो कि बहुत इजी है। जैसे कि जब आप नहा रहे हो, साबुन या शार्जल जो भी आप लगाते हो, उसके बाद इस तरीके का वीनस का हेयर रिमूवर आता है, ये आप यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत छोटा है, कॉम्पैक्ट है और मैं इसे शेव करती हूँ अपने पूरी बॉडी के हेयर, अंडर आर्म्स, लेग्स, हैंड्स, सब। और बस एक बार हेयर के डायरेक्शन में घुमाया और इसकी ब्लेड्स बहुत कंफर्टेबली ब्लेंड हो जाती है बॉडी के कर्व्स के हिसाब से। कॉम्पैक्ट पैकेजिंग है, एक बार यूज़ करो, पानी से धो दो और रख दो, और नेक्स्ट जब मन करे फिर यूज़ करो। मतलब हफ्ते में एक बार यूज़ करोगे तो आपका हफ्ते भर का काम चल जाता है। मैं महीने में दो बार यूज़ करती हूँ, खैर। सो या इस तरीके से आप अपने हेयर रिमूव कर सकते हो घर बैठे बैठे पार्लर जाए बिना। स्क्रब मैं आपको बताती हूँ, इसके अंदर आपको कोई भी अलग से स्क्रब लेने की जरूरत नहीं है, पानी ही काफ़ी होगा। तो जैसे आप मेरे को देख रहे हो, मैं अपने शरीर को थोड़ा मल रही हूँ, तो आप देख रहे हो वो दाने दाने से निकल रहे हैं, वो थोड़े मैल से निकल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को पानी में 10 मिनट तक सोक कर दिया है। और 10 मिनट अगर आपकी बॉडी गीली रहती है, फिर आप पानी डालो और हाथों से मलो अपने बॉडी के ऊपर, तो मैल आपके स्किन से निकलती है, डेड स्किन की लेयर निकल जाती है। तो ये आप कभी भी कर सकते हो, जब भी आप नहा रहे हो आप ये वाला ट्राई, आई एम श्योर आप लोगों ने किया ही होगा। लेकिन अगर जिन लोगों ने नहीं किया, तो ये वाटर स्क्रब DIY आप कर लिया करो यार। थोड़ा सा अच्छे से मल के नहाओगे तो बॉडी काफी ज्यादा चमकदार, ग्लोइंग स्किन हो जाती है, पुरानी काली पसीने मैल की परत निकल जाती है और स्किन साफ नजर आती है। आप ये वाला ब्रश यूज कर सकते हो, इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं, इसको ड्राई ब्रशिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब सूखी बॉडी के ऊपर ये जो ब्रश हाथ से ऐसे भी निकाल सकते हो, अलग भी हो जाता है। सूखी बॉडी के ऊपर लगाओगे तो ड्राई ब्रशिंग हो जाता है, और अगर आप इसको अपनी गीली बॉडी पे लगाते हो नहाते हुए, तो एज अ स्क्रबर का भी काम कर सकते हैं। प्लस पीठ या आपके शरीर के ऐसे हिस्से जहाँ आपका हाथ नहीं पहुँच पाता है, बेंड नहीं हो पाता है, तो इसकी मदद से आप कर पाते हो। मेक श्योर इसकी ब्रिसल्स सॉफ्ट हो, क्योंकि काफ़ी सारे फेक और डुप्लीकेट भी मार्केट में अवेलेबल है, तो वो यूज़ मत करना। नेक्स्ट मेकअप के लिए एक हैक बता देती हूँ, श्योर आप फेशियल हेयर को रिमूव कर लो इस तरीके के ट्रिमर से। ये देखो मैंने लेफ्ट और राइट के हेयर को रिमूव किया है, तो ये कितने गंदे लग रहे हैं और ये कितना सॉफ्ट क्लीन लग रहा है। क्लीन शेव होने के बाद अपर लिप्स के हो या आईब्रो हो या आप पीच फर्स के हेयर रिमूव कर लो, उसके बाद आप मेकअप करते हो तो मेकअप का बेस फ्लॉलेस आता है। तो थोड़ा मेकअप भी आपको दिखा देते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ NY मेकअप प्राइमर, जो कि मेरे मेकअप को बहुत अच्छे से सेट कर देगा, ओपन पोर्स को ढक देगा, मतलब वॉल के ऊपर जो पुट्टी होती है ना, वैसा ही कुछ काम करता है प्राइमर। तो छोटा सा प्राइमर मैंने यूज़ किया है, एंड देन मैं यहाँ पे मेबलिन का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। सिर्फ कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही। आप चाहो तो दोनों यूज़ कर सकते हो, समर्स का टाइम है तो ज़्यादा लेयर अप ना करो तो ही ज़्यादा बेटर होगा। जितनी भी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ क्लिक करके एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। प्लस मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लश, लिपस्टिक ब्लश, तो मैंने मेबलिन का ही लिक्विड लिपस्टिक लिया है, क्योंकि बहुत जल्दी से ब्लेंड हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने अपना कंसीलर ब्लेंड किया, उसके बाद मैंने ब्लश लिक्विड लिपस्टिक जो मैंने लगाई मेबलिन की, वो मैंने ब्लेंड किया है, और ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने गीला करके पानी निचोड़ लिया है और डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। और फटाफट ये करना होता है, अगर लिक्विड लिपस्टिक सूख गई तो फिर उसका ब्लेंड होना मुश्किल हो जाता है। एंड देन मैं यहाँ पे कलर बार का कॉम्पैक्ट लूज पाउच यूज कर रही हूँ अपने मेकअप को बेक करने के लिए। सो अच्छे से मैं ब्रश से उसको बेक कर दूंगी, एंड देन मेकअप को थोड़ा सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे पर्पल का बनाना पाउडर यूज किया है। आप देख सकते हो मैं कितना ज्यादा खा चुकी हूँ इसको, फेस पे लगा चुकी हूँ, बहुत यूज करती हूँ मैं, खत्म हो गया है। देन आई मेकअप के लिए मैंने रेवोल्यूशन का आई पैलेट यूज किया है, कि मेकअप करो या ना करो हल्का सा हाईलाइटर जरूर लगा लेकर, विदाउट मेकअप भी आप हाईलाइटर लगा सकते हो, काफी अच्छा ग्लो देता है आपकी स्किन के ऊपर। मैंने फिलहाल मिस्रोज का हाईलाइटर यूज किया है यहाँ पे, और लॉरियल का ब्रो पेंसिल यूज किया है, इसके साथ स्पूली भी आती है और इंडियन स्किन टोन के लिए काफी परफेक्ट है। फिलहाल मैंने मेबलिन की लिपस्टिक लगाई है, लिक्विड लिपस्टिक, जो मैंने ब्लश लगाया था ये सेम लिपस्टिक। देन मैंने यहाँ पे पर्पल का मस्कारा यूज किया है, आईलैशेस नहीं लगाया है, बस नॉर्मल नेचुरल लुक दिया है। सो बहुत ज्यादा हैवी आई मेकअप, हैवी फेस मेकअप, कॉन्टोरिंग वगैरह नहीं की है। देखा जाए तो बहुत ही न्यूड नेचुरल सटल लुक आया है ये। सो आप ये डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। तो बहुत सारे मेकअप हैक्स और ब्यूटी हैक्स मैंने आपके साथ शेयर किए, कौन सा वाला आपको पसंद आ रहा है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस।
अगर आप भी लूफा यूज करते हो तो ये बात तो आप मानते हो ना कि ये धुलते नहीं है अच्छे से, मतलब उसका साबुन अंदर रह ही जाता है, निकलता नहीं है। तो ऐसे में सिलिकॉन के ना कुछ इस तरीके से ब्रशेस आते हैं, बॉडी ब्रश, आप चाहें तो ये भी यूज कर सकते हो। नहाने के लिए मैंने बहुत सारे हैक दिए थे, आपको जो मन करे वो आप यूज करो या ना करो, आप देख करके ही ऐसे ही ब्यूटी हैक एंजॉय करो। सो जरा सा इसके ऊपर मैंने शार्जर लगा दिया, पानी इसके ऊपर छिड़क दिया एंड देन मैं अपनी बॉडी के ऊपर इसको लगाती हूँ। तो लूफा की तरह ये बहुत ज्यादा डर्टी नहीं हो जाता है, लूफा पे बैक्टीरिया काफी ज्यादा आ जाता है। लगाने का एप्लीकेशन भी इसका काफी अच्छा है, जो पीछे इतनी अच्छी ग्रिप दी हुई है। सो स्क्रब का काम करेगा, बॉडी क्लीन करेगा, ड्राई ब्रश का भी काम कर सकता है ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, बहुत सारी वेबसाइट्स पे आप ट्राई कर सकते हो। आई विल ट्राई टू गिव यू लिंक ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, सो डू चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लाइफ चेंजिंग हैक मैं आपको बता रही हूँ, जब भी बालों में तेल लगाते हो ना, तेल बालों में अच्छे से जाता नहीं है, जड़ों तक पहुंचता नहीं है, तो आप इस तरीके से मसाजर यूज कर सकते हो। ये मल्टीपर्पज है, आप तेल लगाते हो तब आप इससे अपने बालों को मसाज कर सकते हो, आप शैम्पू लगाते हो तब मसाज कर सकते हो, या फिर ड्राई मसाजिंग के लिए भी इसको यूज कर सकते हो। ये बालों में चुभता नहीं है, ये बहुत सॉफ्ट है, सिलिकॉन का है, और ये लगाने के बाद आप नहाते नहाते आपको नींद आ जाएगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, मैं नहा रही थी कि लगा रही थी और मुझे नींद आ गई। सो ये देखो बहुत बहुत कंफर्टेबल है, बहुत सही प्रोडक्ट है। आप देख लो मैं कितनी ज़्यादा नींद में हूँ, मैं भूल ही गई कि यहाँ पे शूट हो रहा है। और काफ़ी अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर देता है, या जो स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन है उसको फास्ट कर देता है, आपके स्कैल्प को रिजुविनेट कर देता है, आपके जो भी शैम्पू लगा रहे हो वो अच्छे से आपके स्कैल्प में लग जाए इसका ये ध्यान रखता है। तेल लगा रहे हो तो तेल को भी अच्छे से लगा देता है, बहुत सूदिंग रिलैक्सिंग मसल एक को ठीक करता है, स्कैल्प के लिए तो बहुत बून का काम करता है। ये वाला मैंने रिसेंटली यूज करना स्टार्ट किया है और मैं इसको लाइफ टाइम यूज करने वाली हूँ, ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया तो मैं आपको हाईली हाईली रिकमेंड करूँ ट्राई दिस। के बाल बहुत ज्यादा उलझते रहते हैं, सुलझने का नाम नहीं लेते और शाइन नहीं रहते, और इंस्टेंटली आपको कुछ चाहिए तो आप सीरम लगा लो, लॉरियल का सीरम आता है एक्सटेंसो और स्ट्रेट हेयर के लिए काफी अच्छा होता है, या फिर आप लवॉन का सीरम लगा सकते हो, काफी अफोर्डेबल है और वो भी काम अच्छा करता है, आप वो भी लगा सकते हो। बालों को छोटे छोटे सेक्शंस में लो, रब करके आप लगा लो पहले तो सीरम, उसके बाद बड़े चौड़े दांतों वाली कंघी लो और उससे कंघी करो, नीचे से कंघी करना स्टार्ट करो, धीरे धीरे ऊपर आओ और आराम से कंघी करो, और दिन में एक से दो बार जरूर कंघी क्या करो, कभी भी कंघी करना स्किप मत करो अगर अच्छा हेयर ग्रोथ और अच्छे हेल्दी हेयर चाहते हो तो। ये वाला टिप जरूर फॉलो करो। ये मैंने बहुत सारा वायरल हैक देखा था तो मैंने इसको टेस्ट किया यहाँ पे और अच्छा रिजल्ट मिला। तो क्या करना होता है, आपको अगर आईब्रो बनाना नहीं आता है तो आप कैसे तैसे ऐसे भी लगा दो, बस लगा दो आप अपना आईब्रो पाउडर इस तरीके से, एंड देन उसके बाद आप टिश्यू पेपर लो और ऊपर से एक्सेस वाला जितना भी है ना एक्सेस, वो आप अपनी आईब्रो का जो बॉर्डर लाइन है ना वहां से आप पोंछते हुए नीचे तक आ जाओ, ठीक है। आप इस तरीके से पोंछ दोगे, पुछ जाएगा एक्सेस और शेप आपकी आईब्रो की अच्छी आ जाती है नेचुरल वाली। सो ये बहुत क्विक फिक्स है, फटाफट से अगर आपको करना है, बिगनर हो नहीं आता तो आप ये ट्राई कर सकते हो। मैंने ट्राई किया एक बार में, हो गया काफी अच्छे से, तो ये हैक मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा आपके साथ ब्यूटी हैक में क्यों ना शेयर किया जाए। अगर आप अपनी डेली लाइफ में फॉलो करते हो तो लाइफ थोड़ी आसान सी हो जाती है, हैक्स आपकी लाइफ को लाइफ चेंजिंग और लाइफ को कंफर्टेबल बना देता है। तो गाइस आप ये सारी चीजें ट्राई कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब और सभी संबंधियों के साथ शेयर करो। रेखा भी नेचुरल मेरी इंस्टा आईडी है, वहां भी फॉलो कर सकते हो।